हेलो गाइस इट्स मी सौरभ मन्ना वेलकम बैक टू माय चैनल सो झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए तो बहुत तो चॉइस फिलिंग तो आपने किया ही होगा तो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपने किया ही होगा आज लास्ट डेट है अट्ठाईस तारीख है ना तो जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किया है वो लोग चॉइस फिलिंग जल्दी से जल्दी कर लीजिए है ना और आज ही लास्ट डेट है ओके जितना और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में डर लगा हुआ है या तो डाउट है कि सर इसमें तो सेफ का ऑप्शन ही दिख रहा है सेव एंड लॉक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या सर मेरा मैंने जो भी सिलेक्ट किया है वो सब मतलब उसमें से मुझे कॉलेज मिलेगा तो ये तो देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है आज अट्ठाईस तारीख है जितना आ, आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा ठीक है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है बस एक चीज़ याद रखिएगा आपने जो भी सेलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करने के बाद सेव वाला ऑप्शन में ज़रूर क्लिक कीजिएगा ठीक है और अगर एडिट वगैरह करते हो मतलब चॉइस फिल्म अगर आप कुछ एडिट वगैरह करते हो एडिट करने के बाद भी याद से सेव को क्लिक कर लीजिएगा ठीक है नहीं तो जो पहला था वही रह जाएगा तो इसलिए अगर कुछ ऐड कर रहे हो या तो कुछ एडिट वगैरह कर रहे हो तो उसको सेव कर लीजिएगा ओके और सेव एंड लॉक का टेंशन लेने वाली बात नहीं है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और आपको उस चॉइस फिलिंग में से एक ना एक कॉलेज आपको मिल ही जाएगा आपके लिस्ट में ठीक है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है ओके तो आराम से आप अपना चॉइस फिलिंग कीजिए आज लास्ट डेट है अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना है तो आज भर आज रात भर कर लीजिए ओके कल से कुछ नहीं हो पाएगा है ना तब बात करते हैं अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस तो आप लोगों तो चॉइस फिलिंग तो हो जाएगा आज अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आप लोग का सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा जो कि एक तारीख मतलब एक नवंबर को सीट अलॉटमेंट लिस्ट का डेट दिया हुआ है लेकिन एक तारीख को जारी नहीं होगा यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं क्योंकि देखिए मैंने अभी जो देखा है कि अभी जो आई वालों का जो एडमिशन हुआ फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड बी वालों का जब भी जो चॉइस फिलिंग हुआ है अभी एडमिशंस वगैरह भी जब चालू हो चुका है तो मैंने देखा जो सीट अलाटमेंट लिस्ट जो था वो एक दिन बाद मतलब जिस डेट में बोला गया था मेंशन किया था कि हाँ इस डेट में निकलेगा उस डेट में ना निकल के वो नेक्स्ट डेट में निकाला गया था है ना वो नेक्स्ट डेट में निकाला गया था तो अगर आप सोच रहे हो कि जो डेट डेट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो दिया हो एक तारीख तो जरूरी नहीं है एक तारीख को जारी किया जाएगा दो तारीख को जारी कर देगा ठीक है अगर एक तारीख को जारी करता तो अच्छी बात है अगर नहीं होता तो दो तारीख को कन्फर्म है आपका जारी कर दिया जाएगा ओके और उस सीट अलॉटमेंट लिस्ट में आपको पता चलेगा कि आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं ठीक है सीट अलॉटमेंट लेटर कहाँ से आप डाउनलोड करोगे सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा ओके डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे uh, एक पी दिया जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जो कि अगर आप वो ओपन करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं और आपको कॉलेज मिला है कि नहीं अगर आपका नाम उस लिस्ट में है और अगर आपको कॉलेज मिला है तभी आप सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि सेल्फ सिर्फ जो कि सेल्फ सीट अलाटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे ओके okay, नहीं तो नहीं कर पाओगे ठीक है और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अगर आपका नाम इस सीट अलॉटमेंट लेटर में नहीं रहता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं अब आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सीट फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो सीट अलाटमेंट लिस्ट में नाम नहीं रहने का मेन रीज़न यही रहता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं किया होगा तो अगर मान लीजिए जिनका रैंक दस हज़ार है बारह हज़ार है तेरह हजार है पंद्रह हज़ार रैंक है सी रैंक और अगर वो लोग लो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करेगा तो देखिए ये बहुत ही कम चांसेस मिल लेगा भले जो कैटेगरी स्टूडेंट्स उनको मिल जाएगा क्योंकि उनका कैटेगरी रैंक है बोल के ठीक है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो सिर्फ सी रैंक देखा जाता है ना तो अगर उनको अगर नहीं मिल जाता तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसलिए जिनका जनरल कैटेगरी रैंक जिनका जनरल कैटेगरी रैंक है सी रैंक बारह हज़ार तेरह हज़ार चौदह हज़ार चौदह हज़ार रैंक है तो वो लोग गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट या तो सेमी गवर्नमेंट भी चूज़ करके रखिएगा ओके ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट में ठीक है और जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो आपसे तो आपसे उस टाइम पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा वो भी वन ओके okay? और जो पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा वन थाउजेंड रुपीज़ वो आपका एडमिशन का फीस में ये हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा ठीक है तो जब आप सीट में लेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको वन थाउजेंड रुपीज़ देना ही होगा तो वीडियो को यही पे खत्म करते हैं वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू